हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ 360। तो इवनिंग वॉक के लिए मैं निकली हूँ। आजकल मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाता है, तो रिटर्न करने के टाइम ग्रॉसरी शॉप में भी जाना है। डिनर के लिए कुछ लेना है, आज डिनर में कुछ स्पेशल बन रहा है। तो मैं लौट आई हूँ और रिटर्न करते वक्त ये बर्गर बन मैंने खरीदा है। तो ये देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ डिनर में। और जाने से पहले मैंने ये अंडा और आलू को बॉईल करके गई थी। तो हाँ, मैं बना रही हूँ आज सैंडविच। तो अभी चॉपिंग चल रहा है, तो अनियन को स्लाइस कर रही हूँ और इसके बाद मैं स्लाइस कर रही हूँ अभी टमाटर को। तो तीन टमाटर लिया है, पर लगता है दो से ही कम हो जाएगा। तो अंडा छिलना मेरा हो गया है, अभी मैं आलू को छिल रही हूँ। सैंडविच एक ऐसी चीज़ है ना, सबको पसंद है और बनाना भी बहुत ही इजी। तो अभी मैं कर रही हूँ क्या, अंडे का ये येलो पार्ट और वाइट पार्ट को अलग कर रही हूँ। और अंडे का येलो पार्ट यानी कि योक को अलग करने के बाद आलू के साथ मैं ये मिक्स कर लूँगी। मैं ना फॉर्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि फॉर्क से इजीली स्मैश हो जाता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। अभी इन दोनों को यानी कि आलू और एक के येलो पार्ट को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद बारी आई एक की वाइट पार्ट की। तो मैंने ना इसको मिक्स कर लिया है, यानी कि बहुत ही बारीक चॉप किया है। तो अभी मिक्स कर लेंगे ये आलू और येलो पार्ट के साथ। तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा नमक भी। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून की करीब ऑरेगानो, और इसके बाद 2 to 3 टेबलस्पून मायो मैंने इसमें ऐड किया है। अभी अच्छे से सारे चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसे साइड में रखते हैं। आज इवनिंग वॉक से लौटते टाइम मैंने ये चीज़ ब्लॉक और बर्गर बन खरीदा था, तो इतना सारा तो नहीं लगेगा, इसे हाफ कर लूँगी। तो अभी बंस को मैं हाफ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तो फिलिंग अब भरना होगा। अभी एक एक करके सारे बन को मैं हाफ कर लूँगी। ब्रेड मुझे लाना नहीं पड़ा, घर में ही था। तो इसके बाद बन की एक साइड में मैंने केचप स्प्रेड कर दिया है। अभी इसमें जो फिलिंग मैंने बनाया है वो एक एक करके बन में मैं स्प्रेड करती जाऊंगी। और इसके बाद जो अनियन और टोमेटो को स्लाइस किया है वो एक एक करके इसमें दे दूंगी। तो अनियन अभी मैं इसमें दे रही हूँ और अनियन के ऊपर मैं टोमेटो देने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने चीज़ को ऐसे ग्रेट करके ऊपर से दे दिया है। अभी बन के दूसरे साइड को इसके ऊपर लगा रही हूँ। थोड़ा सा बटर मैंने पैन में स्प्रेड कर लिया है। अभी दो दो करके बन मैं ऐसे पैन में दे रही हूँ और उसके बाद ढक दिया है ताकि ये जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। तो एक बैच मेरा हो गया है, तो अभी सेम वे में नेक्स्ट बैच को भी मैं बना लूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है देन गिव इट अ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर। जब तक ये बर्गर सैंडविच रेडी हो रहा है, मैं इधर ब्रेड सैंडविच को रेडी कर रही हूँ सेम प्रोसेस से। कभी कभार ना ऐसा डिनर भी अच्छा लगता है, नहीं तो वो रोटी सब्जी वो मोनोटोनस हो जाता है, इसीलिए कभी कभार थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। सारे सैंडविचेस मेरे रेडी हो गया है, अभी मैं सर्व कर दूंगी। तो सैंडविच के बीच में मैं इसे कट लगा के सर्व करती हूँ, तो इजी होता है खाने में। एक मिनट में आप लोगों को फीलिंग दिखाती हूँ। ये रहा फीलिंग और ये रहा हमारे आज के डिनर।
और एक चीज मैं लाई थी, ये कोल्ड ड्रिंक्स। पता नहीं क्यों आज कोल्ड ड्रिंक्स पीने को बहुत मन कर रहा था। तो अभी हम करते हैं डिनर एंजॉय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और किचन में आते ही पहला जो काम होता है वो होता है रात के सारे बर्तन को अपने अपने जगहों पे रखना, और उसके बाद ही पानी वगैरह पीना। सुबह हम में से, मतलब मेरे और जयदीप में से कोई भी चाय पीती नहीं हूँ। कभी कभार ही जयदीप चाय देते हैं, तो पहले इन सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पर रख लेते हैं। सुबह का पहला काम खत्म हुआ, अभी पानी पीते हैं और दूध को भी बॉईल करना है। दूध तो बॉईल हो गया है, अभी थोड़ा दाल को भी भिगो लेते हैं। तो थोड़ा सा मसूर की दाल और तूर दाल मैंने 2 मुट्ठी लिया है, उसे अभी भिगो के रख दूंगी। आज बनाने वाली हूँ दाल फ्राई, क्योंकि जिया को और जीत को दोनों को ही बहुत ही पसंद है। और सोच रही हूँ सेवई का खीर भी बना दूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं कुछ भी ताक झाक नहीं करने वाली हूँ, या तो ब्रेड एंड बटर या मूसली में देने वाली हूँ। फिलहाल सभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 o'clock, 8 नहीं बजा है। मैं जब भी खीर बनाती हूँ तब भी मैं ना ये फुल फैट क्रीम वाला दूध लेती हूँ। इससे फ़ायदा होता है क्या, ज़्यादा गाढ़ा करना नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने दूध में 2 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। अभी ये सेवई को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये सेवई रोस्टेड ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा घी में, 1/2 टीस्पून के करीब घी में रोस्ट करती हूँ। अच्छा से खुशबू आता है। थोड़ा सा केसर गरम दूध में मैं भिगो के रख रही हूँ खीर में देने के लिए। कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छा लगता है खीर में ये केसर डालना मुझे, पर कभी कभार ही डालती हूँ, हर टाइम नहीं। सो सेवैया रोस्ट हो चुका है, तो इसे दूध में डाल देती हूँ। अभी उसी पैन में मैं काजू और किशमिश को रोस्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ घी को ऐड नहीं किया है, पैन में ऑलरेडी घी लगा हुआ है। सो काजू को रोस्ट करते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, तो अभी किशमिश को ऐड करके दोनों को एक साथ फिर से 3-4 मिनट में रोस्ट कर लूँगी। और दूध का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। काजू किशमिश अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और दूध में मैं अभी ऐड कर रही हूँ जो सैफ्रन मैंने भिगोया था गरम दूध में, वो डाल दिया है मैंने। और अभी ऐड करूँगी शक्कर, तो शक्कर मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, जितना मीठा हम लोगों को पसंद है उसी हिसाब से। खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो लास्ट में मैं अभी ऐड कर रही हूँ ये रोस्ट किया हुआ काजू और किशमिश को, और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर से 5 मिनट तक मैं उबाल लूँगी। सो 5 मिनट हो गए हैं, अभी गैस को ऑफ कर देंगे। अभी लग रहा है ये खीर थोड़ा पतला है, पर ठंडा जब हो जाएगा ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। अभी घर के साफ सफाई करके नहाने जाऊंगी और उसके बाद ही लंच बनाऊंगी। धूप को देख के लग रहा है 2 o'clock बज चुका है, पर टाइम हो रहा है 11:30 और रास्ते पे कोई भी नहीं है।
तो मैं नहा के आ गई हूँ, अभी लंच बनाना है। इतनी गर्मी है ना, कुकिंग के टाइम बालों को बंद के रखने में ही आराम मिलता है। तो अभी दाल को चढ़ा देते हैं। आज दाल फ्राई के साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो दाल को चढ़ा के मैं पालक पनीर की सारी प्रिपरेशन कर लूँगी। सो पालक पनीर की प्रिपरेशन मैंने कर लिया है। पालक को अभी मैं ब्लांच करने वाली हूँ। और दाल फ्राई और पालक पनीर के लिए मैंने 2 मीडियम साइज अनियन, 2 टमाटर, फिर जिंजर गार्लिक लिया है। जिंजर गार्लिक को कूट के मैं पेस्ट बना लूँगी। तो अभी गर्म पानी ऐड कर रही हूँ सॉस पैन में और पालक को मैं 2 मिनट तक बॉईल कर लूँगी। मिनट तक पालक को ब्लांच कर लिया है। अभी गर्म पानी से निकाल के चिल्ड पानी में मैं दे रही हूँ ताकि इसका कलर रिटेन रहे। नाउ इट्स टाइम फॉर चॉपिंग एंड कटिंग। तो पहले जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना लिया जाए। कुछ ज़्यादा ही मैंने गार्लिक ले लिया है तो थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी जिंजर और गार्लिक को मैं कूट लूँगी। थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर लूँगी। आज ना मैं अनियन और टमाटर चॉपर से चॉप करने वाली हूँ। तो पहले अनियन को चॉप कर लेती हूँ, पर एक अनियन को मैं चॉप करूँगी क्योंकि पहले बनाऊँगी मैं दाल फ्राई और उसके बाद ही पालक पनीर। हरी मिर्ची ऐड करना मैं भूल गई थी तो बीच में हरी मिर्ची अभी ऐड कर रही हूँ। चॉपर से बहुत जल्दी काम हो जाता है, इट्स अ सेवियर फॉर मी और मेरे जैसे लेडीज इससे एग्री करेंगे। तो दाल बॉयल हो चुका है और कुकर की प्रेशर भी निकल गया है। हाँ, दाल अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो कढ़ाई को मैंने अभी चढ़ा दिया है। दाल में मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है। ऑयल गरम हो चुका है तो पहले अनियन को फ्राई कर लेते हैं, अनियन और हरी मिर्ची। अभी टमाटर को ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी मैंने इस चॉपर से चॉप कर लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे ढक दूंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो अभी सारे चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी। मसाला अच्छे से भून चुका है तो अभी बॉयल दाल को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें बॉयल आने दूंगी मैं। दाल में बॉयल आ गया है और मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे बॉयल कर लिया है। अभी गैस पर से दाल को मैं एक बाउल में ले रही हूँ। नेक्स्ट अभी मैं दाल में तड़का देने वाली हूँ। तो तड़के पैन में मैंने 1 टीस्पून घी ले लिया है। उसमें मैंने ऐड कर दिया है 3 ड्राई रेड चिलीज और उसके बाद इसमें मैंने ले लिया है कुटी हुई जिंजर गार्लिक को। अभी जिंजर गार्लिक को अच्छे से मैं भून लूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून। दोनों को अच्छे से भूनूंगी और मैं अभी इसको दाल में ऐड करने वाली हूँ। तो छौंक देना मेरा हो गया है। तो बन गया है दाल फ्राई।
अभी बनाते हैं पालक पनीर। तो इस बार अनियन को मैं फाइनली चॉप नहीं करने वाली हूँ चॉपर से, तो जस्ट स्लाइस कर रही हूँ, क्योंकि अनियन, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्ची को भूनने के बाद मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। तो पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल थोड़ा सा गर्म होते ही मैं अभी अनियन को इसमें ऐड कर दूंगी और उसके साथ ग्रीन चिली को भी। थोड़ा सा होल जीरा मैंने ऐड कर दिया है। जीरा चटकना शुरू होते ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्लाइस किया हुआ अनियन को और ग्रीन चिली को। ग्रीन चिली को मैंने जस्ट स्लिट किया है। अभी अनियन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अनियन जब अच्छे से फ्राई हो गया है, मतलब उसका कलर जब चेंज हो गया है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ टमाटर को भी। नेक्स्ट अभी जिंजर गार्लिक की पेस्ट को भी ऐड कर रही हूँ। अभी इन सबको एक साथ भुनना है। सो टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन अच्छे से भुन गया है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अभी इसको ठंडा करना है, ठंडा होने के बाद ही मैं ग्राइंड करूँगी। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, मैंने सोचा कि आटा गूंद लिया जाए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पराठा। तो मैंने 2 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है। थोड़ा सा मैं मोयम के लिए ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी हाथों से अच्छे से मोयम को आटे के साथ मैंने मिक्स कर लिया है और वार्म वाटर देके मैंने आटे को अभी गूंद लिया है। पूरी या पराठे के टाइम आटे को थोड़ा टाइट गूंदने से अच्छा होता है। अभी थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसे ढक के रख दूंगी। नाउ इस ग्राइंडिंग टाइम। तो जो पालक मैंने ब्लांच किया है उसे मैंने मिक्सी की जार में ले लिया है और जो टमाटर, अनियन और जिंजर गार्लिक को मैंने फ्राई किया था उसे भी मिक्सी की जार में मैंने ले लिया है। सो ग्राइंड करना मेरा हो गया है, ये रहा वो। अभी सारे ड्राई स्पाइसेस देके एक पेस्ट बना लूंगी मैं। तो मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है और उसके बाद 1 टीस्पून धनिया भी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अभी पानी देके इसका एक घोल बना लूंगी। और खड़े मसाले में मैंने लिया है 3 हरी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी की और 3 लौंग। अभी इन सबको कूट लूंगी। खड़े मसाले को थोड़ा सा कूट के ऑयल में देने पर उसका जो खुशबू होता है थोड़ा ज़्यादा एनहेंस होता है। मैंने 1 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल लिया है जो कि गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। कोई कोई ये रेसिपी पूरा बटर में बनाना पसंद करते हैं, पर मैं बनाती हूँ दोनों मिक्स करके। तो ऑयल में मैंने जो खड़े मसाले कूटा था वो दे दिया है। अभी थोड़ा सा इसे चला लेंगे। इसके बाद जो ड्राई स्पाइसेस के पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अभी इस पेस्ट को अच्छे से भुनना है। मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो पालक का पेस्ट मैंने बनाया था वो। अभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी पालक को। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी लेके पालक के पेस्ट को धो के इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई में। इसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो करके ढक के 4 मिनट के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होममेड पंजाबी गरम मसाला। ये मेरे चैनल में ऑलरेडी है। इसके बाद घर की मलाई में ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून। आज थोड़ा कम है मलाई, तो 1-2 टीस्पून मैंने रख दिया है गार्निश के लिए। जितनी ज़्यादा मलाई होगा उतने ही टेस्ट बढ़ेगा। आज मलाई मेरा कम था तो अभी सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने पनीर को ऐड कर दिया है। अभी ग्रेवी के साथ पनीर को अच्छे से मिक्स करके ढक के लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक इसे रख देंगे। मैंने जो 2 टीस्पून मलाई बचा के रखा है अभी उसी से गार्निश कर रही हूँ
और एक टुकड़ा पनीर मैंने रख दिया था, तो वो भी ग्रेट करके दे रही हूँ गार्निश के लिए। सो लास्ट में पराठा बना रही हूँ मैं, ट्रायंगुलर पराठा बनाया और बनाया लच्छा पराठा। मैंने ना दोनों गैस पर पैन को चढ़ा दिया है ताकि जल्दी जल्दी पराठा बन जाए। एक गैस पर मैंने पराठों को ऐसे ही सेक लिया है और दूसरे गैस पर मैं ऑयल से सेक रही हूँ। आज है एकादशी और जयदीप ये सब नहीं खाएंगे, तो आज सिर्फ फूस लेने वाले हैं लंच में, तो पहले उनको परोस देती हूँ। ये रहा उनका लंच का प्लेट, तो अभी उनको दे के आती हूँ। अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, यानी कि मैं, जिया और जीत। तो सो ये रहा हमारे आज के लंच, दाल फ्राई, पालक पनीर और उसके साथ सुबह जो बनाया था खीर वो, और थोड़ा सा आम भी ले लिया है मैंने। ये दोनों तो बहुत ही एक्साइटेड है पर पालक पनीर के लिए। अभी मैं इन दोनों को सर्व कर रही हूँ और मैं भी खुद अपने लिए ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल और इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जरूर। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ।